आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। सिर्फ दो दिन बचे हैं, इतने कम समय में दो सगाइयों की तैयारियां पूरी करनी है, कहीं भी कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। नहीं, दोनों सगाइयां साथ में नहीं हो रही। अरे मौलिक, आ अंदर आ जा। नहीं काकी माँ, वो पहले आप मुझे एक वादा दीजिए, फिर मैं अंदर आऊंगी। अच्छा, कौन सा वादा? काकी माँ, आज हम लोग खरी कमाई करने के लिए निकले हैं, तो उसके लिए आपको मुझे एक काम देना होगा और उसके बदले में पैसे भी देने होंगे। ये क्या खरी कमाई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक से बता ना। काकी माँ, वो मैंने तापुष का एनजीओ ज्वाइन किया है ना, तो उसी के लिए हम लोग आज खरी कमाई करने निकले हैं, और कमाई से जो भी पैसा मिलेगा ना, हम वो अनाथ आश्रम में दान दे देंगे। अच्छा, इस घर में एक समाज सेवक कम था जो दूसरे भी आ गए। अच्छा अभी चल अंदर। लेकिन काकी माँ, आपने कोई काम तो बताया ही नहीं। तू एक काम कर, हाँ तापोश और तानी का कमरा साफ कर दे। जब इंसान को बनाने वाले ईश्वर ने उसमें फर्क नहीं किया, तो हम क्यों फर्क कर रहे हैं? क्यों आज इंसान अमीर गरीब, ऊंच नीच के लेबल सर पर लगाए घूमता है? क्यों उसकी पहचान एक इंसान से बदलकर कुछ और हो गई है? क्यों? अरे वहां टेबल पर दास कैपिटल की बुक रखी है, जरा देना। वही सोशल रेफरेंसेस में निकाल के रखें, वो भी देना। एक ग्लास पानी देना प्लीज। यहाँ भी आ कर रही है? आपने ही तो कहा था। मैंने तुझे कब कहा? नहीं नहीं, वो आपने ये नहीं कहा था, वो मैं खरी कमाई करने के लिए आई थी, तो वो लाबुनी काकी। खरी कमाई करने के लिए तुझे मेरा ही घर मिला? नहीं, वो एक्चुअली आपने ही कहा था ना कि सेफ्टी के लिए फ्रेंड्स के घर से शुरुआत करो, तो मैंने सोचा क्यों ना तानी के घर से। कुछ गलत किया क्या मैंने? नहीं, कुछ गलत नहीं किया तूने। और हाँ, कितना प्यारी तो लग रही थी काम करते हुए। अभी मुझे पता चला कि तेरा ग्रुप में कुछ ढंग का काम भी होता है। ढंग का मतलब? अरे अरे बाबा, ढंग का काम मतलब वो काम जो लड़की को शादी के बाद कितना काम आता है। और तेरा कमरा भी तो कितना साफ लग रहा है। हमारा मौली तो जिससे भी शादी करेगा ना, वो लड़का तो बहुत खुश नसीब होगा। वो काकी माँ, तानी कहाँ पर है? तानी वो इधर ही होगी। अरे बाबा, वो तैयारी कर रही होगी ना, वो तुम्हारा स्कूल में समारोह है ना। रीयूनियन। अच्छा, अभी ये मैं धोने के लिए लेके जाती हूँ।
आप रियूनियन के लिए आ रहे हैं? पता नहीं, शायद आऊंगा या फिर शायद नहीं। एकदम नया डिजाइन है दादा, बालू चोरी शादी देखा तो? हाँ हाँ, बालू चोरी। ये लीजिए, बहुत अच्छा माल है। अरे नूपुर आओ, नूपुर देखो तुम्हें कुछ अच्छा लगता है तो। अरे भाई तुम्हारी सगाई है, सब कुछ तुम्हारे पसंद से ही होगा। नीलू, तानी के लिए भी कुछ ले लो, उसकी सगाई की साड़ी भी इसी घर से जानी चाहिए। ऐसे क्या देख रही हो? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तानी को मैंने हमेशा इस घर का हिस्सा माना है, उसे अपनी बेटी की जगह दी है। दो घरों के बीच में अगर इतना फासला नहीं होता तो उसकी शादी में मैं सिर्फ 2 दिन बचे हैं, इतने कम समय में 2 सगाइयों की तैयारियां पूरी करनी है, कहीं भी कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। नहीं, दोनों सगाइयां साथ में नहीं हो रही। क्या सगाई साथ में नहीं होगी? क्यों? कल ही तो हम वहां गए थे, लाबनी बोधी मान भी गई थी, तो फिर अब क्या? वो तीने पंडित मोशाय को तानी और सुशांत की पत्रिका दिखाई थी। उनके हिसाब से 2 दिन बाद का मुहूर्त अधिक शुभ है, इसलिए। मां अगर दोनों सगाइयां साथ में होती तो खुशियां ज्यादा होती। बेटा कभी कभी ऐसा हो जाता है, खुशी ठीक से दरवाजे पर दस्तक भी नहीं दे पाती और किसी की नजर लग जाती। एक्सक्यूज मी, हेलो। हेय जैकी यार। हाय जैकी। व्हाट हाय? अरे यार कहाँ हो तुम? कितने दिनों से तुम्हारा नंबर ट्राई कर रहा हूँ पर लग ही नहीं रहा। एट लास्ट मैंने तुम्हारी मॉम को कॉल करके तुम्हारा नया नंबर लिया। खैर तुम हो कहाँ पर? तुम तो 10 दिनों के लिए गई थी ना इंडिया, लगता है वहीं की बनकर रह गई। नहीं जैकी, वो एक्चुअली मैं कोलकाता में हूँ इस वक्त, तो यू नो। देखो तुम जहाँ भी हो आने की पूरी तैयारी रखना, क्योंकि तुम्हें किसी भी वक्त यहाँ आना होगा, यहाँ न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क पर क्यों? याद है तुमने 1 महीने पहले इंटरनेशनल फैशन शो का ऑडिशन दिया था। क्लाइंट्स को वो ऑडिशन बहुत पसंद आया है और 2 दिनों में कंफर्मेशन भी आने वाला है। आई थिंक तुम्हारे प्योर चांसेस है सिलेक्ट होने के। क्या हुआ, खुश नहीं हो क्या? वैसे तो तुम मॉडलिंग असाइनमेंट्स लेके काफी एक्साइटेड रहती हो, हर बार मेरे पीछे पड़ी रहती हो, कहती हो मुझे ब्रेक दो, मुझे अपॉर्चुनिटी दो। और अब जब मैं इतनी अच्छी असाइनमेंट लेकर आया हूँ, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, तो तुम कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रही हो। क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या? यहाँ कोई नहीं जानता कि अनुराग और डैडी के इंडिया जाने के बाद मैंने इंटरनेशनल फैशन शो में ऑडिशन दिया था। ऐसे ही मेरा मॉडलिंग करना यहाँ किसी को पसंद नहीं है, ऊपर से इस सगाई के माहौल में मैं कहाँ। हेलो, आर यू देयर नूपुर? जैकी, आई विल कॉल यू लेटर, ओके? किससे बात कर रही हो? वो न्यूयॉर्क से मेरी बेस्ट फ्रेंड का फोन था, इनफैक्ट वो हम दोनों की सगाई के बारे में पूछ रही थी। तो बुलाया? हाँ सबको बुला लेना,
मैं अपने सारे दोस्तों को बुला रहा हूँ, बाबा आधे कलकत्ता को बुला रहे हैं, तुम भी अपने सारे दोस्तों को बुला लेना, चले।